नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ट्विटर अकाउंट आज 7 सफल महिलाओं को सौंपा। वे इसके माध्यम से अपनी जीवन यात्रा साझा कर रही हैं। केरल में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के 5 नए मरीज, सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। मुंबई की अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की 3 दिन के हिरासत में भेजा। और क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 185 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति, समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं 103 वर्षीय धाविका मान कौर, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी, किसान पडाला भूदेवी और बीना देवी, शिल्पकार आरिफा जान, पर्यावरण कर्मी चामी मुर्मू, उद्यमी नीलजा वांगमो, मोटर वाहन अनुसंधान पेशेवर रश्मि उर्ध्वरदेशे, राजमिस्त्री कलावती देवी, जुड़वा पर्वतारोही ताशी और नुंगशी मलिक, शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती और 98 वर्षीय कात्यायनी अम्मा, जिन्होंने 2018 में साक्षरता परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। एक अन्य पुरस्कार विजेता 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए दिल्ली नहीं आ पाए। इन महिलाओं ने अपने सपने पूरे करने के रास्ते में भौगोलिक बाधाएं, उम्र और संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने दिया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी और जलशक्ति तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालयों के राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज साइन ऑफ कर रहे हैं और आज दिनभर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली 7 महिलाएं अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे संभवतः लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करते हुए स्नेहा मोहनदास ने कहा कि अपनी माता से प्रेरित होकर उन्होंने बेघर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड बैंक इंडिया की स्थापना की। इसने भूखे लोगों को भोजन कराने के लिए लंगर लगाने और शिशुओं को स्तनपान कराने के बारे में महिला जागरूकता बढ़ाने के अभियान भी शुरू किए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली और प्रेरक वक्ता डॉ मालविका अय्यर ने कहा कि विकलांगता के साथ जुड़ी हीन भावना से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर उन्हें अपने विचार साझा करने का जो मौका दिया है, उससे उनका ये विश्वास दृढ़ हो गया है कि भारत दिव्यांगता को लेकर सदियों पुराने अंधविश्वासों को दूर करने की दिशा में सही कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में अपने जीवन के अनुभवों के बारे में जानकारी देते हुए जल संरक्षण आंदोलनकारी कल्पना रमेश ने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों का बड़ा असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि पानी हमारी अमूल्य धरोहर है और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी जिम्मेदार तरीके से पानी का इस्तेमाल करके, वर्षा जल के संरक्षण, झीलों को नष्ट होने से बचाने के उपाय करके, इस्तेमाल हो चुके पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल में लाकर और लोगों में जागरूकता पैदा करके जल संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं।
कश्मीर से नमदा दस्तकार आरिफा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर की शिल्पकला परंपरा को फिर से जीवित करने का स्वप्न देखा था क्योंकि इससे स्थानीय महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। आरिफा ने कहा कि सबसे पहले नई दिल्ली में हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला था जहां उन्हें अच्छी आमदनी हुई और उनके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी। उन्होंने कहा कि अपने अनुभवों से वे कह सकती हैं कि जब परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ा जाता है तो आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने महिलाओं से आत्मनिर्भर होकर दूसरी महिलाओं की मदद करने का आग्रह भी किया। आरिफा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर मौका देकर उनका हौसला बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और स्त्रियों के लिए अधिक समानतापूर्ण विश्व के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए नारी शक्ति को नमन किया है। महिला दिवस की बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर आज एयर इंडिया की 52 उड़ानों में चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं होंगी। इनमें से 8 उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ताजमहल सहित सभी पुरातत्व स्थलों में आज देश विदेश की महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज तमिलनाडु में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना की जा रही है। त्रिची से चीफ लोको इंस्पेक्टर पी नारायण वडिवू उन कुछ महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने रेलवे इंजनों के चालन के ऐसे क्षेत्र में कदम रखा है जहां पर महिलाओं की संख्या बेहद सीमित है। वडिवू शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन से 2,00,000 किलोमीटर से अधिक दूरी का सुरक्षित सफर तय कर चुकी हैं। अब वो विश्वास के साथ कहती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और भागीदारी के साथ किया गया कोई भी काम सफल हो सकता है। मैं नारायण वाडिवू रामचंद्र नगर तिरुनेलवेली से आई हूँ। डीजी कॉम्प्लेक्स में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में अपने काम की शुरुआत की थी जिसके लिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया। मेरे सभी पुरुष सहकर्मियों ने मेरे काम में काफी सहयोग किया है। त्रिची में सहायक लोको पायलट पी भारती ने हाल ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। उनका कहना है कि ये नौकरी सुरक्षित है, साथ ही उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। भारती ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए। त्रिची से डॉक्टर के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत रहा है देश नारी को सम्मान देकर, शौचालय बनवाकर। शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को, शौचालय बना तो अंधेरा छटा। जीत बड़ी कर रहा है देश। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर। रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी, अब देखो गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी। दिख रही है ये जीत जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी। हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की कल समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर बल देना चाहिए।
कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इन अफवाहों से भी बचना है। जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह से तैयार है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमण से पीड़ित लोगों के लिए 25 अस्पतालों में 168 आइसोलेशन बिस्तर बनाए गए हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दें जो पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा से लौटे हैं। केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में आज कोविड 19 के 5 नए रोगी सामने आए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने आज मीडिया को बताया कि कोविड 19 परीक्षण के दौरान 5 लोगों में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। इनमें से 3 लोग इटली की यात्रा कर चुके हैं जबकि 2 उनके रिश्तेदार हैं। फिलहाल इन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल के साथ अलग कक्ष में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने अधिकारियों को अपनी इटली यात्रा के बारे में जानकारी नहीं दी और न ही स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। बाद में लक्षण दिखने के बाद ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित किया। के शैलजा ने उन सभी लोगों से सतर्क रहने और अधिकारियों को तुरंत सूचित करने का आग्रह किया जिन्होंने किसी भी कोरोना वायरस प्रभावित देश की यात्रा की थी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्वभर में नोवल कोरोना वायरस के 1,00,000 से अधिक मरीजों का पता चला है और 3,400 से अधिक रोगियों की मृत्यु भी हुई है। संगठन ने शुक्रवार को विश्वभर की सरकारों से कोविड 19 पर काबू पाने के अभियान में तेजी लाने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहनम गैब्रियासिस के अनुसार चीन से बाहर नोवल कोरोना वायरस 17 गुना तेजी से फैल रहा है। इटली में प्रधानमंत्री जुजेपी कॉन्ते ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए संपूर्ण संगरोध की घोषणा की है जिसके तहत 14 प्रांतों के कम 1,60,00,000 लोगों पर 3 अप्रैल तक आने जाने पर पाबंदियां लग गई हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ आवश्यक कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ही लोगों को आने जाने संबंधी प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। ये नए उपाय मिलान जैसे वित्तीय केंद्र और वेनिस जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी लागू रहेंगे। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 230 से अधिक हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुंबई की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 11 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2 दिन की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें रविवार की सुबह 3 बजे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शनिवार सुबह कपूर को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया था। वहां वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उनकी पेशी स्थानीय अदालत में हो चुकी है जहां वो 11 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 13 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ट्विटर अकाउंट आज 7 सफल महिलाओं को सौंपा। वे इसके माध्यम से अपनी जीवन यात्रा साझा कर रही हैं। केरल में नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 के 5 नए मरीज। सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं।
मुंबई की अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 3 दिन की हिरासत में भेजा। और क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 185 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।